हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट प्रिपरेशन। माई सेल्फ अनु सिंह, और ये बायो का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज एनिमल टिश्यू, ठीक है, जंतु ऊतक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पूरा बेसिक से जानेंगे क्या होते हैं, किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आपके, सभी जानेंगे। ओके, और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस चैनल पर जितने भी वीडियोज अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। ओके, और इस चैनल पर जितने भी एग्जाम होते हैं उसका क्वेश्चन पेपर विद एनालिसिस मिलेगा, साथ ही साथ आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके वो सारे मिलेंगे। तो एक बार विजिट करिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट टिश्यू, ठीक है, प्लांट टिश्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके पहले हम लोगों ने टिश्यू भी सेल पढ़ा था, ठीक है। सेल जो है हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सेल है। सेल ढेर सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं, ठीक है। ऊतक यानी कि क्या कहा जाएगा ऊतक को? टिश्यू, ठीक है, टिश्यू बनाते हैं। और ये सारे टिश्यू बना के ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि लीवर एक ऑर्गन हुआ तो लीवर बनाया। फिर उसके बाद हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स, सारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनल्स बनते हैं, ये सारे चीज़ बनते हैं। तो क्या है सबसे छोटी, क्या है हमारी इकाई, सबसे यूनिट क्या है सबसे छोटी? सेल है, फिर टिश्यू है। तो गाइज ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। टिश्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि टिश्यू जो होता है दो से अधिक सेल मिल के क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कैटेगराइज किया था, कौन कौन सा? प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, ठीक है, क्या? एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या? एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग ने प्लांट टिश्यू में हम लोग ने एक चार्ट लर्न किया था, ठीक है, उसी तरह एनिमल टिश्यू में भी एक चार्ट आपको लर्न करना है। ओके, जैसे देख लीजिए, चार तरह के ऐसी कोशिकाओं, जैसे हमारे कोशिका के बारे में आप जानते हैं, कोशिका क्या होती है? कोशिका की ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना व कार्य समान हो, उसे क्या कहते हैं? ऊतक या टिश्यू कहते हैं, ठीक है। टिश्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू भी चार तरह के टिश्यू हम लोग पढ़ने, पहले कौन कौन से? इपिथीलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये चार चीज़ पढ़ने हैं, चारों को आप इसको बार बार प्रोनाउंसिएशन करिए, रटिए, इपिथीलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये चार टिश्यू पढ़ने हैं। इसमें भी आपको इपिथीलियल में आपको ये टाइप मिलेंगे देखने को, एक तो स्क्वैमस हो जाएगा, क्यूबॉइडल हो जाएगा, कॉलमर हो जाएगा, सिलिएटेड हो जाएगा और ग्रैंडुलर हो जाएगा, ओके। और मस्कुलर की बात करेंगे तो इसमें स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड और एक हो जाएगा कार्डिक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको मिलेगा एरियोलर, टेंडन, लिंगामेंट, एडिपोज, स्केल्टन, और स्केल्टन में भी आपको मिलेगा क्या? स्केल्टन में मिलेगा कार्टिलेज और बोन, ये चीज़ पढ़ना है। फिर फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ब्लड और लिम्फ, ठीक है, ब्लड और लिम्फ इसमें हो जाएगा। नर्वस टिश्यूज में टाइप नहीं पढ़ना है, नर्वस टिश्यू में इसका हम लोग फंक्शन देख लेंगे क्या होता है, इसमें क्या क्या टर्म यूज किए जाएंगे। तो क्या क्या आपको याद करने हैं? पहले तो टाइप याद करिए, इपिथीलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। देन इसमें आपको स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमर, सिलिएटर और ग्रैंडुलर, ठीक है। और चलिए एक एक करके आप सबके बारे में देखेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? एपिथीलियल टिश्यू, ठीक है, ये क्या होते हैं एपिथीलियल टिश्यू? देखिए ये ह्यूमन बॉडी है, ओके, हमारे ह्यूमन, पहले उसके पहले देख लीजिए ये क्या है, ह्यूमन बॉडी है हमारी। अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है? जो कनेक्ट करते हैं, चाहे बोन को बोन से करे या फिर हमारे किसी भी पार्ट को कनेक्ट करे, वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कनेक्टिव टिश्यू में, जैसे कि ये सारे कनेक्टिव टिश्यू आपके एरियोलर है, एडिपोज है, टेंडन, लिंगामेंट, ये सब क्या है? ब्लड भी क्या है? ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है? कनेक्ट ही तो करता है, ये भी तो कनेक्ट कर रहा है, हर जगह ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है तो कनेक्ट ही तो कर रहा है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू में हो जाएंगे। स्केल्टल मसल्स ये सारे हम लोग पढ़ेंगे, एपिथीलियल टिश्यू पढ़ेंगे। देखिए एपिथीलियल टिश्यू क्या होता है, इसको बेसमेंट भी कहा जाता है, आगे सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कार्डिक, नर्वस टिश्यू सारे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? एपिथीलियल टिश्यू से, यानी कि इसको आप हिंदी में भी एपिथीलियल टिश्यू ही यानी कि ऊतक ही पढ़ें, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये होता क्या है?
हमारे जो बॉडी है, बॉडी के सबसे बाहरी परत से सुरक्षा कवर करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो इसे क्या कहते हैं, कवरिंग टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग टिश्यू भी इसका निर्माण करता है। जैसे हमारा स्किन है, स्किन के जो नीचे आपको टिश्यू वगैरह मिलेंगे वो किस तरह के टिश्यू होंगे, एपिथेलियल टिश्यू होंगे, ठीक है। और ये शरीर के अंदर क्या है, विभिन्न भागों में या फिर कैविटी, हमारे मुख में भी आवरण बनाता है, ठीक है, आवरण बनाता है, जैसे कि हमारे मुख में हो गया, त्वचा पर हो गया, आहार नाल पर हो गया, फेफड़ों, ये सब, ये यहाँ पर किसके, कौन से टिश्यू पाए जाएंगे, एपिथेलियल टिश्यू। हम यहाँ पर एनिमल की बात कर रहे हैं, यानी एनिमल में मानव भी आ जाएंगे और जीव जंतु तो आएंगे ही, ठीक है, सबकी बात हो रही है यहाँ पर, ओके। तो हम लोग कौन सा पहले पढ़ रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये होता क्या है, कवरिंग टिश्यू सबसे बेस प्रदान करता है। अगर ये हमारा हाथ है सपोज, मान लीजिए, तो ये त्वचा है, त्वचा के नीचे जो आपको ये पाया जा रहा है, इसे क्या कहेंगे, एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। इसमें भी आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, किसके आधार पर, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर इनका बंटवारा किया गया है कि कैसे कैसे होते हैं। जैसे कि बात करें, स्क्वैमस हो गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, कॉलमर या सिलिएटेड एक ही टाइप के हो जाएंगे। एक और हुआ था, ग्रैंडुलर भी था, ठीक है, ग्रैंडुलर भी था, ठीक है। तो ये सारे आपको पढ़ेंगे। जैसे कि स्क्वैमस की बात करें, याद करने का तरीका देखिए, स्क्वैमस क्या है, स्क्वैमस यानी कि स्क्वायर, वर्ग की तरह। स्क्वैमस से क्या सेंस, थोड़ा सा आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, स्क्वैमस से क्या स्क्वायर की तरह आपको सेंस आ रहा है, और क्यूबॉइडल से क्यूब, क्यूब की तरह सेंस आ रहा है, कॉलमर से यानी कि कॉलम की तरह, लंबे लंबे कॉलम की तरह होंगे ऐसे टाइप की, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्वैमस, ये कैसा है, यहाँ पर आप फ्लैट दिख रहा है, फ्लैट, फ्लैट पतली सी परत होती है, ये स्क्वैमस हो गया। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का मतलब वही पतली परत ना, पतली परत, पतली परत, कई सारे परत आ जाएंगी, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस हो गया। कॉलमर क्या हो गया, ये देख सकते हैं कि कॉलम की तरह ये लंबी लंबी है ना, ये कॉलम की तरह ये सारे, तो ये क्या कॉलमर टाइप हो गया। क्यूबॉइडल, ये देखिए इसका शेप एकदम क्यूबॉइडल की तरह होता है, क्यूब की तरह, तो ये क्यूबॉइडल हो गया, ठीक है। तो ये शेप के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। ये क्या है, हमें बाहरी क्या करते हैं, बाहरी से, बाहरी आघातों से सुरक्षा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर स्किन है, स्किन के ये अंदर जो पहली परत हो जाएगी, ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, ओके। क्या है ये, एपिथेलियल टिश्यू है। अब देखिए ये एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाए जाएंगे, अब पहले मैं बात करती हूँ स्क्वैमस की। ये पूछता है कि स्क्वैमस कहाँ पाया जाएगा, स्क्वैमस टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, तो कभी कभी देता है, पूछ लेता है। तो जैसे कि कहाँ पाया जाएगा, इसोफेगस, ठीक है, कहाँ, इसोफेगस में, ठीक है। मैंने आपको इसोफेगस के बारे में जब पाचन तंत्र पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसे बोलते हैं ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली या इसोफेगस में पाया जाएगा, स्किन के नीचे पाया जाएगा, तो ये स्क्वैमस हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसकी बात करूँ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस और कॉलमर कॉलमर सिलिएटेड, ये सभी आपके क्या है, ये रहेंगे आपके क्या, एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट हैं। अब जब मैंने बताया स्क्वैमस के बारे में, तो एक तो ये आपको इससे फिगर्स में मिलेगा, माउथ में भी मिलेगा, ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा। स्ट्रेटिफाइड यानी किसी के ऊपर एक और परत, एक और परत, एक और परत, ये सारे आते जाएंगे, ये हो जाएगा आपका स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्क्वैमस। कॉलमर की बात करें, या फिर कॉलमर या फिर सिलिएटेड, ये कॉलम की तरह होते हैं, इस तरह जैसे कॉलम बने हुए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा, आपको कॉन्स्टेंटाइन में मिलेगा, आपकी जो आंत है वहाँ आंत में इस तरह के आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे। क्यूबॉइडल की बात करें, तो ये आपका सलेवरी ग्लैंड में मिलेगा, ठीक है, कहाँ, सलेवरी ग्लैंड में आपको ये मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो क्या पता चला आपको, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एक बेसमेंट टिश्यू है। अच्छा, बेसमेंट टिश्यू अगर पूछ ले, एक तो अगर मान ले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है एपिथेलियल टिश्यू और ये सारे नहीं दिए हुए, तो एपिथेलियल आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए बोल दिया कि बताइए कि बेसमेंट टिश्यू किसे कहते हैं और ये चारों ऑप्शन दे दिया, ठीक है, तो किसे कहेंगे, स्क्वैमस के कहेंगे। देखिए बेसमेंट की तरह आपको बेस प्रदान कर रहा है, क्या कर रहा है, बेस प्रदान कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे बेसमेंट टिश्यू भी कहते हैं स्क्वैमस टिश्यू को। तो याद रखिएगा, बेसमेंट टिश्यू स्क्वैमस टिश्यू को कहते हैं, ठीक है। और एक और मैंने आपको क्या बताया था, ग्रैंडुलर, ठीक है, क्या बताया था, ग्रैंडुलर, ठीक है। ग्रैंडुलर में क्या होता है, इस तरह कुछ ऐसे टाइप के बोन बने होते हैं ना, तो यहाँ से आपके कुछ फ्लूइड वगैरह निकलता है, तो ये वाला जो हुआ ना टिश्यू यहाँ पर, तो ये आपको क्या कहलाएगा, ग्रैंडुलर, तो ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, और इसके कार्य क्या हैं, हमारे एपिथेलियल टिश्यू क्या कार्य, ये कोशिका
त्वचा के बाह्य परत बनाते हैं, ठीक है, मैंने बताया स्किन के नीचे पाए जाते हैं, ये वाटरप्रूफ होते हैं, ठीक है, आंतरिक कोशिकाओं की रक्षा करते हैं, आंतरिक कोशिकाओं को सूखने से, चोट से, जीवाणुओं के अतिक्रमण से, रासायनिक पदार्थों से क्या करते हैं, प्रभाव से इसको बचाते हैं, तथा ये जल और अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण में भी सहायक होते हैं। हमारे स्किन से देखते हैं वाटरप्रूफ होता है ना, ऐसे ही तो कुछ नहीं चला जाता है ना, जब उन्हें ज़रूरत है जिस चीज़ की वही जाएगा, ठीक है, तो क्या कहलाता है, ये वाटरप्रूफ होते हैं आपके इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, इनके ये कार्य हैं। तो याद रखिएगा, हम लोगों ने एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ कि इपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। कवरिंग टिश्यू होते हैं, आउटर मोस्ट पार्ट में हमारे स्किन के नीचे पाए जाते हैं या फिर हमारे माउथ में पाए जाएंगे, ये आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं, किसी भी ऑर्गन के पास होते हैं, जैसे कि माउथ हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सब के बारे में। और अगर बात करें तो इसके टाइप की, स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलमर, आप नाम के हिसाब से इनका शेप का यानी कि आकार का अनुमान यानी कि याद कर सकते हैं, ठीक है, जैसे स्क्वैमस स्क्वायर की जैसा होगा, कोलमर कॉलम जैसे होंगे लंबे लंबे, और क्यूबॉइडल यानी कि वर्ग के शेप का होगा, ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा। और जैसे कि बेसमेंट टिश्यू यानी कि स्क्वैमस टिश्यू जो है कहाँ पाया जाएगा, माउथ में, इसोफेगस में पाया जाएगा, ओके, ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, आप बताइए मस्कुलर टिश्यू क्या है। मस्कुलर टिश्यू जो हैं ऐसे टिश्यू जो हमारे शरीर में होने वाले गति या पेशी ऊतक के कारण होती है। हमारे जो बॉडी है क्या करता है, संकुचन करता है ना, ये सब किसके कारण होता है, मस्कुलर टिश्यू के कारण होता है, ठीक है, हृदय की धड़कन, भोजन नली में संकुचन, प्रसरण, यानी कि देखते हैं हमारा जितना भी हलचल वगैरह होता है मस्कुलर टिश्यू के द्वारा होता है, किसके द्वारा, मस्कुलर टिश्यू के द्वारा। इसमें भी आपको तीन तरह के देखेंगे, कौन कौन से, रेखीय पेशी, ठीक है, अरेखित पेशी और हृदय पेशी, जिसको बोलेंगे स्ट्रेटेड, रेखीय पेशी को बोलेंगे स्ट्रेटेड मस्कुलर मसल्स, ठीक है, स्टेटेड मसल्स, या फिर स्केल्टन या फिर वॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, वॉलेंट्री क्या होता है और इनवॉलेंट्री क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो रेखीय पेशी है ये वॉलेंट्री होता है, बाकी दोनों है अरेखीय पेशी और हृदय पेशी यानी कि कार्डिक मसल्स, ये दोनों ही इनवॉलेंट्री होता है, यानी इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। और वॉलेंट्री यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार हम उसको मूवमेंट करा सके, ठीक है, जैसे हमारा हाथ है, ठीक है, अगर हम अपनी हाथ की बात करें तो हम अपने ऊपर अपनी जैसे मर्जी वैसे घुमा सकते हैं ना, ठीक है ना, लेकिन क्या हमारा जो हार्ट है तो क्या उसको हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, वो तो जैसा धड़कता है वो धड़केगा ही, ठीक है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इनवॉलेंट्री। तो दो तरह के हो गए, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ठीक है, वॉलेंट्री जिस पर हमारा कंट्रोल हो, इनवॉलेंट्री जिस पे हमारा कंट्रोल ना हो, ये कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने टाइप के हो गए, रेखीय पेशी यानी कि इसको कई कई नाम से जानते हैं, सारे नाम आपको पता होने चाहिए, रेखीय पेशी यानी कि स्टेटेड मसल्स, स्केलेटन मसल या फिर वॉलेंट्री मसल, इतने नाम से इसको जानेंगे, ठीक है। अरेखित पेशी यानी कि अनस्टेटेड या फिर स्मूथ या फिर इनवॉलेंट्री मसल, और हृदय पेशी की बात करें तो कार्डिक मसल्स, ये तीन तरह के मसल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं फिगर में यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, इसके आधार पर ऐसा होता है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए पहले स्मूथ मसल्स टिश्यू कहाँ है, ये कैसे होते हैं, अभी मैंने बताया इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारा कंट्रोल नहीं होता है इन पर, जैसे कि आपके ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ पर इसको मिलेगा पूरा आपको, इसमें क्या पाया जाएगा, स्मूथ मसल पाया जाएगा, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। और अगर कार्डिक मसल्स की बात करें जो हमारे हृदय के चारों तरफ रहते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री ये भी होते हैं, इस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है। और स्केल्टन मसल की बात करें जो हमारे जैसे हाथ वगैरह में है, तो ये क्या वॉलेंट्री है, इस पर हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए क्या इनमें डिफरेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्केल्टन मसल जो है, स्केल्टन मसल को हम लोग क्या कहते हैं, स्केल्टन मसल को कहते हैं हम लोग स्ट्रेट मसल, ठीक है, दिख रहे हैं इसका आकार कैसा है, स्ट्रेट लंबी है ना, ठीक है, स्ट्रेट होता है, एक तो क्या हो गया इसका प्रॉपर्टी स्ट्रेट है, ठीक है, क्या है, स्ट्रेट है। दूसरी कि यहाँ पर मोर देन वन यहाँ पर पाए जाएंगे आपके क्या सेल, मतलब आपके यहाँ पर जो केंद्रक है मोर देन वन पाए जाएंगे, दिख रहे ना, ऐसे होगा। अगर स्मूथ की बात करें तो देखिए स्मूथ कौन सा होता है,
यानी कि अनस्ट्रेटेड, यानी ये देखिए ये स्ट्रेट था, ये तो अनस्ट्रेट, इसका सेप स्ट्रेट तो लग नहीं रहा, तो अनस्ट्रेटेड है, ठीक है, स्मूद है, ओके। और यहाँ पर सिर्फ एक ही आपको यहाँ पर मिलेगा, क्या केंद्रक एक ही मिलेगा आपको, ठीक है ना, एक ही केंद्रक मिलेगा। और अगर बात करें कार्डिक मसल की, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट देखिए इसमें ब्रांचेज होते हैं, देखिए यहाँ पर क्या निकले हुए हैं, ब्रांचेज निकले हुए हैं, ओके ना, ब्रांचेज, तो इसमें ब्रांचेज हो गए, यूनि मतलब एक ही केंद्रक होगा, तो ये सारे इसकी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है ना। और ये क्या है इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट कि कार्डिक वाला और आपका कौन सा स्मूथ यानी कि अनस्टेटेड क्या है, वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है, ठीक है। और सिर्फ स्केल्टन की बात करें, ये वॉलेंट्री है। तो इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा इनके टाइप्स कौन कौन से मैंने बताया आपको, मसल टिश्यू में रेखी टिश्यू, रेखित पेशी यानी कि स्ट्रेट मसल, इनके आकार के आधार पर स्ट्रेट मसल नाम रखा गया, स्केल्टन मसल, वॉलेंट्री मसल, ठीक है। तो आपको क्या पता चला, वॉलेंट्री मसल और इनवॉलेंट्री मसल में डिफरेंस पता चला, कितने टाइप के होते हैं हमारे मसल्स वो पता चला, ठीक है। और ये सब कहाँ कहाँ होंगे ये भी पता चला, जैसे कार्डिक की बात करें तो हमारे हृदय के मसल्स हो जाएंगे, स्केल्टन जो हमारे बाकी पार्ट यानी कि हाथ वगैरह ये सब में पाए जाते हैं ये हो जाएंगे, और स्मूथ मसल जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है जिसपे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री का है ये है, क्या हो जाएंगे स्मूथ मसल्स टिश्यू। सबके आकार आपको पता चल गए, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है तो आकार से भी याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, एक एक ऊतक ऐसा जो कि शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़े, सहारा दे तथा बांधे, ये क्या कहलाता है, संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू, यानी ऐसा ऊतक जो हमारे विभिन्न शरीर के पार्ट को एक दूसरे से जोड़ता है, कनेक्ट करता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, ये कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, ओके। अब इसमें एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, इस ऊतक की कोशिकाएं माध्यम यानी कि मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित होती है। अब ये माध्यम यानी कि मैट्रिक्स क्या है ये पता होना चाहिए, जैसे अगर मैं ब्लड की बात करूँ, ठीक है, किसकी ब्लड की बात करूँ, तो ब्लड में क्या होता है, पूरा तरल है ना, और वो तरल पदार्थ क्या है, प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में फिर टिश्यूज पाए जाते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा है, अन्य चीज़ें हैं, ये क्या कहलाएंगी, इसे कहा जाएगा माध्यम यानी कि मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स पे आपके टिश्यूज पाए जा रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, इस तरह के टिश्यू होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे अगर बोन की बात करें ना, तो बोन में भी होता है, बोन में भी एक माध्यम होता है, जो कि जैसे आप बोन कठोर होता है ना, जैसे कि क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, क्या, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, ओहो एक मिनट, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है बोन वाले में, ठीक है, तो उसमें के बीच में फिर क्या होता है, टिश्यू पाए जाते हैं, फिर कार्टिलेज होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए, एक तो ये जो माध्यम जो है बात करी, इस माध्यम जो मैंने बात कहा, माध्यम यानी मैट्रिक्स, या तो ये ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं। द्रव में देखिए, अभी ब्लड में आपको द्रव में देखने को मिला, और आपको बोन और कार्टिलेज में आपको ठोस रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके भी टाइप आपको याद रखने, अभी मैंने तो स्टार्टिंग में आपको बताया, फिर यहाँ भी देख लेते हैं, एक होता है एडियोलर, फिर टेंडन, लेगामेंट, एडिपोज, स्केलेटन, स्केलेटन में आपके आ जाएंगे कौन से, कार्टिलेज और बोन, और फ्लूइड में आ जाएंगे ब्लड और लिम्फ, ओके। अब मैं बात करती हूँ आपका पहले टेंडन और लेगामेंट की, ठीक है, और बोन और कार्टिलेज की, ठीक है। अब बोन के बारे में जानते हैं, कितना सख्त होता है ना, जिसमें क्या होता है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है, ओके। और ये इसके कारण बहुत ही मजबूत होता है। कार्टिलेज थोड़ा सॉफ्ट होता है, क्या होता है, सॉफ्ट होता है। अब ये सॉफ्ट क्यों होता है, आप अपने नोज को देखिए, किसको, नोज को, अपने नोज यानी कि नाक और कान, देखते हैं आप इसको घुमा लेते हैं, इसमें भी तो बोन है, बट इसको हम लोग घुमा लेते हैं फिर भी फिर अपने सेप पर आ जाता है। इसकी जो बोन है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्या नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन अगर मैं अपनी हाथ पैर की बोन की बात करूँ, कितना टफ है, क्या आप उसको मोड़ पाते हो, नहीं ना। तो ये अंतर होता है बोन और कार्टिलेज में। बोन को क्या बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं हिंदी में, और कार्टिलेज को उपास्थि बोलते हैं, तो ठीक है, इसको याद रखिएगा, बोन को अस्थि और इसको उपास्थि बोलते हैं, ओके। तो बोन और कार्टिलेज में आपको अंतर समझ में आया, बोन क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और बोन क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और कार्टिलेज क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। किसके कारण, कैल्शियम की उपस्थिति के कारण ये जो है बोन क्या होते हैं, टफ होते हैं, ओके।
अब बात करते हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं, एक तरह से बोन भी कनेक्ट कर रहे हैं ना पूरे। अगर हाथ है हमारा, अगर ये अगर कनेक्ट नहीं होता तो हमारा हाथ का ये बोन कहीं और चला जाता, मसल्स कहीं और भाग जाते, ये तो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाता ना। तो इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू सारे बॉडी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बोन और कार्टिलेज के बारे में आपको पता चला। तो कहाँ मिलेगा कार्टिलेज? जहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू हो, जैसे कि आपको क्या मिला, जैसे कि आपके नोज़ हो गए, ईयर हो गए, ये सब यहाँ मिलेंगे आपको कार्टिलेज, ठीक है। अब टेंडन और लिंगामेंट की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ एक सपोज ऐसे बोन बना लूँ, ठीक है, ये टेढ़ा बन रहा है, ठीक है, ये मैंने बोन बनाया, इस बोन को जोड़ना है, सॉरी बोन थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ओके। अब इस बोन पे यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पर कार्टिलेज भी पाया जाता है, फिर यहाँ पर इसको जोड़ते हैं। और इस जोड़ने के लिए बीच में जो पार्ट होते हैं ना, तो वो कौन से होते हैं? बोन टू बोन। अब देखिए टेंडन है और लिंगामेंट है। अगर बोन टू बोन ऐड करना है, बोन टू बोन यानी बोन बोन को जोड़ना है, तो लिगामेंट, तो इसको याद करिए बलब, ठीक है, क्या बलब, जो बल्ब जलता है ना उस तरफ से याद कर लीजिए बल्ब, यानी कि बोन टू बोन कौन ऐड करता है? लिगामेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिगामेंट, बोन टू बोन कौन ऐड करता है, जोड़ता है, लिगामेंट। और टेंडन की बात करें तो जैसे कि इस बोन पे अगर मसल्स भी तो ऐसे आके जुड़े होते हैं इस पे, ऐसे कुछ, ओके, हाँ ठीक है। तो बोन भी तो यहाँ, बोन पे यहाँ पे ऐसे कुछ मसल्स आके ऐसे जुड़े होते हैं ना मसल्स यहाँ पर, तो ये क्या, ये वाला जो मसल्स बोन को ऐड कर रहा है ये कौन करता है? ये करता है टेंडन। टेंडन के लिए आप क्या याद रखेंगे? टेंडन के लिए आप याद रखिए, ओके, कि टेंडन के लिए याद रखिए कि इसके लिए बटम, हमारे शर्ट वगैरह में बटम लगे होते उससे, कि बोन हो जाएगा एम से मसल और टी से टेंडन, कि बटम, बटम, बोन टू मसल कौन ऐड करता है? टेंडन, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा कि टेंडन और क्या लिगामेंट, ये क्या करते हैं? हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, और बोन टू बोन ऐड करना होगा, बोन टू बोन तो लिगामेंट बल्ब, और बोन टू मसल तो बटम, ठीक है, ये ऐड करना होगा। तो याद रखिएगा टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। कार्टिलेज क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। बोन क्या होते हैं? टफ होते हैं। ये सारे आपको पता चला सब में। यहाँ भी आपको मैट्रिक्स होंगे, इस मैट्रिक्स में क्या होते हैं? फिर टिश्यूज होते हैं। ये हो गया, ओके। अब बात करते हैं ब्लड के बारे में, क्या करता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे जब ब्लड आएगा, तो उसके बारे में, तो ब्लड के बारे में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग टिश्यू पढ़ रहे हैं। तो ये जान लीजिए ब्लड जो है संयोजी टिश्यू, यानी कि क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और इसमें क्या मैट्रिक्स क्या होते हैं? प्लाज्मा के रूप में मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। और इसमें फिर टिश्यूज पाए जाते हैं ब्लड में। लिम्फ होते हैं, ठीक है, ये भी क्या है? टिश्यू है, ये भी आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं, ओके। अब अगर मैं एडिपोज की बात करूँ, तो एडिपोज कौन से है? फैट टिश्यू होते हैं। कौन से? फैट टिश्यू एडिपोज होते हैं। और बिलो द स्किन, जस्ट बिलो द स्किन जो आपको मिलेगी कनेक्टिव टिश्यू, जो कि आपको कनेक्ट करता है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा? एरियोलर। कौन? जस्ट बिलो स्किन, जस्ट बिलो स्किन आपको एरियोलर टिश्यू मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये सारे आपके कनेक्टिव टिश्यू हो गए, सबके बारे में आपको पता चला। कि टेंडन क्या होते हैं? टेंडन बोन टू मसल ऐड करता है, और लिगामेंट क्या है? बोन टू बोन ऐड करता है। एडिपोज क्या है? फैट टिश्यू होते हैं। कार्टिलेज सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। और बोन क्या? टफ होते हैं। ब्लड भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, और लिम्फ भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में इतना कुछ पता चला, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कनेक्टिव टिश्यू, सारे आपको चार्ट याद होने चाहिए, ओके ना। और अगर मैं फिर बात करूँ केंद्र, एक बार मैं आपको इसमें, अच्छा ये हो गया आपका। अब आते हैं किसके बारे में? तंत्रिका उत्तक यानी कि नर्व टिश्यू, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? चेतना उत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेतना उत्तक भी कहते हैं। हमारे मानव शरीर में, चाहे हमारे मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं? 100 अरब, ओके, कितने? 100 अरब जो है कोशिकाएं होती हैं, ओके। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि देखिए, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, हमारे बॉडी में 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ये कोशिका जो है विशिष्ट प्रकार की संदेश वाहक का कार्य करती है। जैसे एक बात बताइए,
हमारा ब्रेन के पास हमको चोट लगी, हमारे हाथ पे चोट लगी, ठीक है, क्या लगी, चोट लगी, तो हमें पता कैसे चला, कैसे पता चला, हमारा ब्रेन ही तो बताता है। तो ये मैसेज कौन ले गया इसके पास, तो ये नर्वस टिश्यू ही ले जाता है, ठीक है। इसका पूरा स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखेंगे, क्या करता है, ये मैसेज पहुंचाता है ब्रेन के पास, तब ब्रेन फिर डिसाइड करता है, एनालाइज करता है, ठीक है, चोट लगी है, तो ये सारा जो मैसेज ट्रांसफर कर रहा है ये कौन कर रहा है, तंत्रिका उत्तक यानी कि नर्व टिश्यू कर रहा है। इसका काम क्या है, संदेश पहुंचाना, ठीक है। तंत्रिका टिश्यू को जो है, जो इसमें कोशिका पाए जाएंगे, जो सेल होते हैं उसे क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, ओके, न्यूरॉन। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कौन से, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो कभी कभी आपके एग्जाम में CNS का फुल फॉर्म पूछेगा, PNS का फुल फॉर्म पूछेगा, कई बार ये पूछा गया है कि CNS का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का फुल फॉर्म क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएंगे, हमारे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, और मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, ये इस पे सारे पूरे तंत्रिका तंत्र फैले हुए हैं, जहाँ भी कुछ होता है उसको हमारे मस्तिष्क के पास पहुँचाते हैं। और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, ठीक है। अब हमारे नर्वस टिश्यू में दो प्रकार की कोशिकाएं से बनी है, कौन कौन सी, एक तंत्रिका कोशिका यानी कि कौन सा, न्यूरॉन हो गया, और न्यूरो गिलिया, ठीक है, दूसरा हो गया न्यूरोगिलिया। तो आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, न्यूरॉन और न्यूरोगिलिया, ये क्या है, हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि तंत्रिका उतक में पाए जाने वाली कोशिका हैं, न्यूरॉन और न्यूरोगिलिया, ठीक है। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, बनावट देखते हैं। ये देखिए हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, ये जो पूरा है सेल बॉडी कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, सेल बॉडी, ठीक है। और ये जो रेसे टाइप के निकले हैं इसको क्या कहेंगे, डेंड्राइट, ठीक है। और बीच में जो ये गोल है इसको न्यूक्लियस कहेंगे, और जो ये वाला इसमें जो ये जोड़ रहा है ये चीज़, तो इसको क्या कहते हैं एक्सॉन, क्या, एक्सॉन, ठीक है, हिंदी में भी आपको एक्सॉन ही लिखना होगा, ओके ना, क्या करना होगा, एक्सॉन ही लिखना होगा, ओके। और जो लास्ट में आपको ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं नर्व इंडिंग हो गया, एक्सॉन हो गया, डेंड्राइट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और सेल बॉडी हो गया। तो आपको इतने सारे इस पर चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और आपको यहाँ पर याद रखना है, साइटोन, ठीक है, क्या, ये जो इस पार्ट को कहेंगे, क्या कहेंगे, साइटोन, ये भी पूछा जाता है, क्या, साइटोन, ठीक है। तो एक्सॉन हो गया, साइटोन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेल बॉडी हो गया, नर्व इंडिंग हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं, आपको पता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ठीक है, ये सब जगह पाए जाते हैं, और ये पूरी फैले हुए हैं हमारे बॉडी में, पूरा कहीं भी कुछ भी होता है ये फटाफट मैसेज को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है ना। तो ये डेंड्राइट जो है क्या करता है, डेंड्राइट मैसेज को प्राप्त करता है, किसको प्राप्त करता है, इम्पल्स या संदेश को, ठीक है, संदेश या बोलते हैं इसको क्या, इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स को प्राप्त करता है, जबकि जो एक्सॉन है ये क्या करता है, एक्सॉन जो है सेल बॉडी से उसको दूर ले जाता है, यानी कि दूसरे को जाता है देने, ठीक है। तो एक्सॉन क्या ले जाता है, सेल बॉडी से दूर ले जाता है, और ये क्या, इम्पल्स को प्राप्त करता है, डेंड्रॉइड, ठीक है, ये जो निकले हुए हैं इसको डेंड्रॉइड बोलते हैं। तो ये सारे नाम याद कर लीजिए, डेंड्रॉइड कौन से होते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन, साइटोसोन, और नर्व एंडिंग, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये सारे पार्ट थे आपके नर्वस सिस्टम के। अच्छा, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा, नर्व टिश्यू जो है ना, इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता, क्या नहीं होता, ये भी याद रखिएगा, सेल डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है, लेकिन स्टेम सेल से बनाया जा सकता है इसे, लेकिन सेल डिवीज़न नहीं होता है। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या रोग हो जाते हैं, अल्जाइमर, ठीक है, कौन से रोग होते हैं, अल्जाइमर रोग हो जाता है, ठीक है, तो याद रखिए कौन सा रोग, अल्जाइमर, ठीक है, अल्जाइमर रोग हो जाता है इसके, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो। तो आपको मैंने इसमें एनिमल टिश्यू के बारे में पूरा पढ़ाया, तो पहले आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को याद करना, यानी इस चार्ट को याद करना है, कौन कौन से हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्व टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल में आपको पार्ट्स इसको याद रखने हैं, इसके आकार के आधार पर पार्ट्स को बांटा गया है, स्क्वैमस,
क्यूबॉइडल, कॉलमर, सिलिएटेड, ग्रैनुलर, ठीक है। मस्कुलर की बात करें तो स्ट्रेट, अनस्ट्रेट और कार्डिक, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर कनेक्टिव बात करें तो कनेक्टिव में कौन सा आएगा, एरियोलर, टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज, स्केल्टन, स्केल्टन में आ जाएगा कार्टिलेज, बोन, और फ्लूइड में आ जाएगा ब्लड एंड लिम्फ, ओके। फिर हम लोग ने पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ये क्या करता है, इसका क्या कार्य होता है, इसका आकार कैसा होता है, ये सब पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशी ऊतक, ये भी तीन प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पता, कौन से वॉलेंट्री है, कौन से इनवॉलेंट्री है, ये भी पढ़ा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है किस में केंद्रक कितने होते हैं, किसका आकार कैसा होता है, सभी आपको याद रखने हैं। फिर मसल टिश्यू के सारे टाइप हम लोग ने पढ़ लिए। संयोजी ऊतक पढ़ा यानी कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, जो कि एक मैट्रिक्स के अंदर होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, एक माध्यम होता है, जैसे कि अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में प्लाज्मा हो गया, ठीक है, और ये जो माध्यम है ठोस या द्रव दोनों अवस्था में रह सकता है, ठीक है। ब्लड में द्रव अवस्था में रहता है, बोन एंड कार्टिलेज में कैसा होता है, ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ने टाइप पढ़ा था एडियोलर, टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज, स्केल्टन, स्केल्टन में क्या पढ़ा था, कार्टिलेज और बोन, और फ्लूइड में पढ़ा ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। एरियोलर क्या होते हैं, हमारे जस्ट बिलो द स्किन पाए जाते हैं एरियोलर, ठीक है। टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं, बोन टू बोन और मसल टू बोन टू मसल को ऐड करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। तो याद रखिएगा बटम और बल्ब, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एडिपोज की बात करें तो फैट टिश्यू होते हैं। स्केल्टन की बात करें तो इसमें जो कार्टिलेज है स्मूथ होते हैं, और बोन क्या होते हैं, कैल्शियम की उपस्थिति के कारण कठोर होते हैं। फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्व टिश्यू, इसमें इसे क्या कहते हैं, मैसेंजर कहती है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है, भेजता है। हमारे शरीर में 100 अरब तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इसमें आपको दो टाइप याद करने थे, CNS और PNS, इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, सभी मस्तिष्क में यानी कि ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु में, और नर्वस में पाए जाते हैं। उसके अलावा दो टाइप मैंने आपको बताया, न्यूरॉन और न्यूग्लिना, न्यूरोगिलिया, ठीक है। ये जो क्या होते हैं, कोशिका से बने जो है हमारे नर्व ऊतक बने हैं, इसमें दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। फिर इसमें हम लोगों ने टाइप पर सारे के पार्ट पढ़े, कैसा आकार होता है ये देखा हम लोगों ने। इसमें क्या होता है, सेल बॉडी होता है, न्यूक्लियस होता है, फिर डेंड्रॉइड होता है, एक्सॉन होता है, और इंडिंग नर्व इंडिंग होता है, तो ये सारे, और साइटोन होता है, ये भी याद रखिएगा, साइटोन, ठीक है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट जो है एनिमल टिश्यू आपका खत्म होता है। ओके गाइस, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।